मथुरा शहर में 29 दिसंबर को एक समाज के कुछ अराजक असामाजिक तत्व के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभाग कार्यालय केशव भवन पर पथराव करते हुए हमला बोल दिया। इस हमले में संघ कार्यालय पर मौजूद दो कर्मचारियों को चोट आई है। मंगलवार को मथुरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक समाज के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभाग कार्यालय केशव भवन पर पथराव करते हुए हमला बोल दिया। हमले से संघ कार्यालय पर मौजूद दो कर्मचारी चोटिल हो गए। हमले की सूचना मिलते ही संघ और भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच गए। पुलिस के आने से पहले ही हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। घटनाक्रम के अनुसार शहर के गोविंद नगर थाना अंतर्गत मसानी क्षेत्र स्थित कल्याण करौती के समीप आरएसएस का विभाग कार्यालय केशव धाम है। वर्तमान में यहां निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिन से सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री चोरी हो रही थी। सोमवार को लोहे की सरिया चोरी करते हुए एक युवक एके खान को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया। आज साय 4 बजे वह कई दर्जन युवकों महिलाओं के साथ कार्यालय पर आया और उसने पथराव करते हुए हमला बोल दिया। इससे वहां मौजूद सोनू और पवन गुर्जर चोटिल हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी संघ और भाजपा के बड़े नेता को दी। पुलिस भी सूचना मिलने पर वहां तत्काल पहुंच गई, लेकिन जब तक सभी असामाजिक तत्व वहां से भाग गए। घटना के संबंध में संघ के पदाधिकारी डॉक्टर संजय द्वारा 40 से 50 अज्ञात और 3 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि उनके गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। साथ ही उन्होंने एसएसपी से कठोर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है। और उन्होंने संघ कार्यालय में कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले या बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। कार्यकर्ता घायल हुए? जी हाँ, 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं इसमें। उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस इस घटना को तत्परतापूर्वक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे कि योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जा सकती। सीओ सिटी वरुण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत बताया कि 2 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। ये थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर पथराव की घटना हुई। इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।